तो गाइस यार बात ऐसा है ना कि लोग ना फेक स्टोरीज बना रहे हैं, फेक एलिगेशन लगा के मुझे डिफेम करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं भी तो चीज में फंस ही जाऊंगा। नहीं, आप क्यों फंसेंगे भाई? क्यों नहीं फंसूंगा? आप नहीं फंसेंगे, आप उसके साथ राइड जा सकते हैं। आपको फॉल्ट सब मेरा ही है ना? नहीं, हम आपका फॉल्ट भी नहीं बोल रहे हैं सैमी, हम तेरे को इंक्लूड नहीं कर रहे भाई। वी आर नॉट कोटिंग यू सैमी कि भाई तू कर रहा है, हम कहीं मेंशन ही नहीं कर रहे भाई। क्योंकि भाई अच्छा मुझे एक चीज बता सैमी, अगले दिन आबर माजी तेरी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे खिलाफ यूज करेगा, तब हम तो चूतिया बन गए ना पब्लिक के सामने। कुछ बात हुआ कि मैं लीगल एक्शन लूंगी, ये सब होंगे, तो वो डर के अपने वीडियो अपने साइड में रख के वो ना भाग गए। और गाइस मैं बीइंग अ गर्ल ये पूछना चाहती हूँ कि तो गाइस आप लोगों ने देखा कि ये लड़की हंस रही है। क्यों हंस रही है? अगर मैंने उसके साथ गलत किया है, गाली दिया है, तो वो हंस क्यों रही है? क्योंकि गाइस फेक स्टोरी ना कभी एक साथ बोला नहीं जाता, इसीलिए इन लोगों ने इतना ज्यादा वीडियो में कट लगाया। हम तेरे को बस इतना बोल रहे हैं कि तो अगर फ्यूचर में अगर हमारा नाम कहीं से भी नेगेटिव गया सामी, तो फिर बी रेडी फॉर इट कि हम भी वी विल पे यू बैक। हम और मैं धमकी नहीं दे रहा भाई, बस मैं तेरे को बता रहा हूं। ये धमकी हो रहा है भाई, मैं तेरे को एक चीज बता रहा सामी भाई, अगर देख मैं तेरे को बताता हूं, लेकिन लेसन मैं चौली भाई सब कुछ सही हो जाएगा और लास्ट में तेरा पोपट कटेगा, बिकॉज यहां पर यू आर नॉट एट फॉल्ट एंड तू ही सबके लिए गलत बनेगा। तो गाइस आप लोगों ने सुना कि ये बंदा खुद ही बोल रहा है कि मेरा गलती नहीं है, बट ये लोग खुद फेक स्टोरी क्रिएट करेगा और मुझे गलत साबित करेगा। ये जो मेरे साथ गलत काम किया है, ये सब चीजें मैं इंडिया वापस आके डालने वाला हूँ। इसीलिए ना इसने ना एक एक्सपोज वीडियो ना पहले डाल दिया। ऑडियंस तो पागल है नहीं, ऑडियंस को क्या पता नहीं चलेगा कि भाई एक राइटर के साथ गलत हुआ, दूसरे के साथ भी गलत हुआ। गलत वो खुद ही इंटरेक्ट हो जाएंगे भाई, दोनों बंदे कभी गलत नहीं हो सकते। वाला ओमेन कार्ड वाला गेम खेल दिया ताकि मतलब स्पॉइल कर सके ये बंदा। एग्जैक्टली, और भाई ये 2021 है, ठीक है, अभी ये सब गेम नहीं चलता है, लोगों को सब सारी चीजें मालूम है। और एक चीज बताना था कि भाई तू ना नेपाल में बस जा, क्योंकि तुझे ना इंडिया से ज्यादा नेपाल के लोगों से प्यार है। क्योंकि तू बता रहा था ना कि नेपाल के लोग ज्यादा सपोर्टिव है इंडिया से, जहां से जन्म लिया है, तू उसी कंट्री को बोल रहा है कि वहां के लोग सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि हम लोग इंडियन सपोर्ट नहीं करते। अगर हम लोग इंडियन सपोर्ट नहीं करते तो तेरा 1 मिलियन नहीं होता भाई। ठीक, तो ये सभ्या ना इंस्टाग्राम में वो स्टोरी डाल के कॉपी एग्जॉस्ट लगाता है, थर्ड कॉपी ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट लगाता है अपने ट्रेनर पे। वो बंदा क्या 1.5 लाख रुपए का हेलमेट पहनेगा? मुंबई का निखिल का तो चैनल डेड है, ठीक है, इसका तो व्यूज ही नहीं आता है। 3 मिलियन का चैनल है, इसमें तो बस 3-4 लाख ही व्यूज आता है। एंड गाइस जेएस फिल्म्स के बारे में भी उसने सेम चीजें बताया कि ये जेएस फिल्म्स अपने आप को खुद को इंडिया का सबसे बड़ा मॉडल वगैरह समझता है, बट उसका तो व्यूज ही नहीं आता है। मतलब ये ना मतलब सारे क्रिएटर्स को ना व्यूज के हिसाब से जज चलता है, लोगों को सब सारी चीजें मालूम है। हम लोग जैसे लखनऊ वाला जो गर्ल का जो केस हुआ था, उसमें कौन फंसा था बाद में? देख चीजें अलग हुआ है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, चीजें बहुत अलग है और ऐसी चीजें मत जो नहीं होना चाहिए। सही है भाई, ने कल जो रात को जो बोला बर्थडे में मैं तेरे को क्यों खिलाऊ, ठीक है भाई, राइट? तू बोल रहा है कल क्या बोल रहा था सव्या की वो होटल एम्बेसडर का बिल 40,000 का आया है। मैंने उसी दिन मैंने जब उनको तेरा जो भाई था ना उनसे ये पूछा था, उसने बोला था कि मैक्स 8-9,000 नेपाली, और मैंने नेट पे भी चेक किया था booking.com से, ठीक है। होटल एम्बेसडर ओके, ठीक है, मैं अभी भी तू चेक कर सकता है भाई। देख हम कैसे नहीं, वो बात नहीं है ना, नॉर्मली मैं नॉर्मली अगर 40,000 का बिल अगर हुआ है, ठीक है, अगर हुआ है 40,000 का बिल अगर तू लोग पे किया है 40,000, ठीक है, तो ठीक है मैं अपना रूम का 20,000 में पे कर दूंगा। हमने तेरे से ना 1 रुपए भी नहीं चाहिए सामने। अबे ये के दीदी जी है ना, आपसे तो इसके की है होटल का एक के दीजिए। तो अच्छा बर्थडे के दिन मतलब तुम लोग तू मेरा नहीं, आप क्या उसका कौन लगते हैं आपकी, आप उसे पार्टी करेंगे? हां, आपको क्या लगता है कि सब कुछ आपके एक्सपेंस करेंगे वो? क्या एक्सपेंस करेंगे मतलब बर्थडे को लेके आके बर्थडे के दिन तुम भी अपना कंटेंट देख रहे हो, हम तो कहां में कर रहे हैं। एक सेकंड बर्थडे के दिन पैसा मांग रहे हो, खाने का पैसा डिवाइड कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो। ग्रेट भाई, ठीक है कोई बात नहीं। गाइस आप लोग समझ सकते हो कि कितना चीप और गिरा हुआ इंसान है कि बर्थडे के दिन दोस्त को खिलाया और उसका पैसा बाद में मांग रहा है। मतलब आप लोग सोचो जस्ट, जिसने भी पे किया इनका पैसा मेरा पैसा मिस। अनुराग ने मेरे से क्या बोला था? क्या बोला था? तुम बीच में क्यों आ रही हो अनुराग? तुम ना आप क्या उनको
लोग इतना ज्यादा मेरे को हैरेसमेंट किया ना, क्या बताऊं, मतलब ये लोग ऐसा मतलब कर रहा था ना कि मेरे को मार ही देगा ऑलमोस्ट। मैं चुपचाप बैठा हुआ था बिस्तर पे और ये लोग मेरे ऊपर आके चढ़ रहा था। नेक्स्ट डे मेरे पास सारे प्रूफ है कल के जो बात है ना, सबका सब रिकॉर्डेड है, ठीक है, रिकॉर्डेड है ना। मैं आराम से मैं सही टाइम पे छोड़ूंगा वो। आमिर से भी ऐसा ही चीज हुआ था मेरे को इसीलिए। और चीनी चोर कौन है कि बाटी में तू खिलाएगा? ठीक है नहीं कर पाऊंगा मैं। मैंने बोला है ये है, ये है सव्या का एक्चुअल रियलिटी। गाइस ये जो आप लोगों ने देखा ना, ये है सव्या की असलियत, ठीक है। मतलब अनुराग तो पीछे रहता है आप लोगों ने जैसे देखा, ठीक है, और सव्या सामने आके मतलब कुछ भी बता रहा है, कुछ भी। सव्या ने जो मतलब मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया, क्या ही बोलूं भाई, अब मेरे को हंसी आ रहा है, ठीक है, कि मोलेस्टेशन का केस मेरे ऊपर लगा रहा है। हाँ मतलब सच में यार तुमको शर्म आना चाहिए कि एक मतलब इतना बड़ा झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो तुम। तो गाइस आप लोगों को ना एक चीज दिखाता हूँ, बस आप लोग देखो ध्यान से सव्या का एक्टिंग लेवल। यार मेरे बात पर्सनल बात को वो रिकॉर्ड करके वो आमिर माजिद के साथ मिल रहे और वो बहुत बड़ा जाल झेल कर ये रूम में आके प्राइवेट फोटो वीडियो खींच रहा था। यार तुम लोग तो कपिल थे वहाँ पे, तुम लोग मेरे घर पे आ रहे थे बार बार, मेरे घर पे पार्टी कर रहे थे और अभी मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो कि मैं तुम्हारे घर पे जाके फोटो वीडियो खींच रहा हूँ। सिंपैथी गेन के लिए तुम लोग कितना लेवल तक गिर सकते हो मैं बस यही देखा और लोगों को भी दिखा दिया। हाँ मतलब गाइज मैं नेपाल में जाके एक नेपाली लड़की को गाली दूंगा, उसके ऊपर हाथ उठाऊंगा, इतना अकल का अंधा मैं नहीं हूँ यार। एक बात गाइज, अगर गाली देना रहता तो मैं बंदे को देता, अनुराग को देता, मैं लड़की को क्यों दूंगा, क्योंकि उसके साथ मेरा कुछ हुआ ही नहीं था। गाइज सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बंगाली हैं, हम लोग लड़कियों का ना माँ की तरह इज्जत करते हैं, क्योंकि हम लोग यार दुर्गा माता को पूजा करते हैं और ये बात सारी इंडिया को मालूम है। चल कोई नहीं, जितना ड्रामा हो